यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ई प्रोक्योरमेंट छत्तीसगढ़ का है ना। तो ये वेबसाइट अभी नया डिजाइन हुआ है। तो यहाँ पे पहले अपने को, जैसे कि हम लोग हर एक वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते थे टेंडर भरने के लिए, तो यहाँ पर भी अपने को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा है ना। तो ई प्रोक डॉट सी जी एस सी जी स्टेट डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये इनका वेबसाइट का नाम है। और हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन और रजिस्टर, तो हम यहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कोई भी ऐसा ब्राउजर का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे पेन नंबर हम लोग डालते हैं, ओके हम लोग क्या है न्यू यूजर है क्योंकि हमारा ऑलरेडी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो यदि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है तो एग्जिस्टिंग यूजर होंगे, नहीं हम लोगों ने कभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया नहीं है इसलिए हम लोग न्यू यूजर। यहाँ पे इंटर, देखो यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि आपको सिस्टम का सेटिंग और कॉन्फिगर करना पड़ेगा उसके लिए पहले ही। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में कुछ सिस्टम दिए रहेंगे, कुछ हो सकता है उसका डिटेल्स दिया रहेगा, वो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। प्रेफरेंस कोड वगैरह है तो हम लोग अभी वेंडर बिडर रजिस्ट्रेशन, ये आपका लॉगिन कोड तो हम यहाँ पे डाल देते हैं आदित्य पंडित 0508। लॉगिन कोड अवेलेबल मतलब जो आपका लॉगिन आईडी है सेम वही। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, मैं ही डाल देता हूँ आदित्य पंडित। डेजिग्नेशन आपका प्रोप्राइटर, मोबाइल नंबर है ना, ईमेल आईडी। अच्छा ये मैंडेटरी नहीं है, हेड ऑफ डाल सकते हो। उसके बाद है कॉन्टैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन नेम भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी सेम, यदि आपका खुद के नाम से है तो खुद का नाम ही डालोगे। एड्रेस पुणे, कंट्री इंडिया, सेम आपका एड्रेस पूछ रहा है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, पिन कोड। एडिशनल कॉन्टैक्ट अभी ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं। ट्रांसफर। बैंक डिटेल्स, बैंक नेम, ब्रांच ब्रांच कोड वगैरह नहीं है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमसीआर कोड मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ देता हूँ। अदर डिटेल्स ये सब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, जैसे वैट नॉट एप्लीकेबल अभी इसकी जरूरत नहीं है, सीजीएसटी आईजीएसटी नॉट नहीं है, सीएसटी नंबर, सर्विस टैक्स वगैरह भी बंद हो गया है, यदि आपके पास उसका पहले का कोई नंबर वगैरह है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं मैंडेटरी नहीं है। सीआरएन नंबर, क्लास टाइप, यहाँ पे कौन से क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तभी ये क्लास का डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा जो कौन से क्लास में क्या क्या चीजें हैं। अभी यहाँ पे सीआरएन, प्लीज अपलोड सीआरएन सर्टिफिकेट फॉर अप्रूवल, आपको ये सीआरएन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, इशू डेट और यहाँ पे। तो सीआरएन कैसा होता है, सीआरएन मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे वेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो लाइसेंस, वो लाइसेंस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पर ये मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं तो यदि आपका रहेगा तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे और आपके सर्टिफिकेट में आपको ये क्लास दिखता है जो किस क्लास के लिए अप्लाई किए हो। वेंडर बिजनेस, यहाँ पे आपकी कंपनी कैसी है, तो मेरी कंपनी देखो सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट राइट ट्रेडर है ना। आप किस में इंटरेस्टेड हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैं ट्रेडर्स हूँ,
और बिल्डर्स, बिल्डर मतलब हम कंस्ट्रक्शन और इसका काम करना चाहते हैं, दोनों का डाल दिया। और ये अपना एक कोड है, कोड डालने के बाद आगे चलते हैं, सेव हो गया। नहीं दिया क्या? ओके, एक मिनट, डी 7 नेक्स्ट, कहीं पर हमें गलत, हाँ हो गया है ना, ये अपने को बता रहा है। अभी अपने को डिजिटल सिग्नेचर से अपने को डिटेल्स, जो डिजिटल सिग्नेचर मुझे अभी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, सिलेक्ट डिजिटल सर्टिफिकेट। अभी यहां से हम डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेबसाइट को कॉपी करेंगे और सेम सेटिंग में जाओ, और कहाँ पे जाएंगे हम लोग, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ब्राउज़र बराबर, ऐड ब्राउज़र वेबसाइट को ऐड करो, ओल्ड ऐड हो गया। और कहाँ सेटिंग करेंगे और एक बार, चावा में है ना, कॉन्फ़िगर क्या हुआ, यहाँ पे सिक्योरिटी, एडिट सिक्योरिटी साइट लिस्ट, ऐड, और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ओके, कर ऐड कर यस यस दिया है ना। अब हाँ ये सर वेबसाइट को हम लोग फिर से खोलते हैं नया, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको शायद ये खुल गया, छत्तीसगढ़। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से जाएंगे रजिस्टर, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके तो रजिस्टर, अभी हम लोग न्यू यूजर नहीं है, हम लोग एग्जिस्ट, क्योंकि सिक्स हम लोगों ने डाल दिया है। एक इनरोलमेंट नंबर अभी पूछ रहा है, तो इनरोलमेंट नंबर अभी हमके को शायद मेल पे आया होगा, एक बार मेल चेक करता हूँ। नहीं आया था मेल, तो बोला था उन लोगों ने, जो आप मुझे 2 दिन में, यदि मेल नहीं आता है तो वहां पे उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई मेल तो अभी दिख नहीं रहा है। मेल आया तो फिर वहां पे मुझे उसका इनरोलमेंट नंबर मिलता था, हाँ सर है ना, तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी तो मुझे पता है, और फिर यहाँ पे उसका इनरोलमेंट नंबर, नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पिन नंबर, इंटर मार के देखते हैं, नहीं, इनरोलमेंट नंबर मैंडेटरी है। चलो आगे तो लेके गया, देखते हैं हमें डीएससी ऐड करने के लिए दे रहा है क्या। ऐड नहीं हो प्रॉपर, क्योंकि ये इसका जो ब्राउजर का तरीका है वो बदला नहीं। और एक बार ऐड करते हैं, सेटिंग, डिफॉल्ट ब्राउजर, ऐड, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, और एक बार ऐड कर दिया। अभी इसको अभी खुला, ऐसा खुलना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में खुलना चाहिए। अभी डाल यहाँ पे, सेवन नेक्स्ट, आ गया। अब यहाँ पे डीएससी सिलेक्ट साइनिंग सर्टिफिकेट, देखो रन करने के लिए आ गया, पहले रन नहीं हो रहा था, रन यहाँ पे अलाउ करो, ये आपको सर्टिफिकेट का डिटेल्स दिखा दिया, सेम इसको करेंगे ओके। पिन पूछ रहा है, पिन डालो,
और लॉगिन। सेटिंग प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर एक बार सेटिंग हो गया तो हर एक वेबसाइट में आपका सेम सेटिंग चलता है, फिर आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सेटिंग ही इंपॉर्टेंट है, सेटिंग सीख लिया तो आपको कोई भी वेबसाइट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, जैसे कि आप लोग बैंकिंग यूज करते हो, हम लोगों ने आपने आज SBI यूज कर रहे हो, कल आपको HDFC का नेट बैंकिंग दे दिया तो थोड़ा तकलीफ तो होगा, उनके इंटरफेस अलग हाँ है सर, ना। सेम यहाँ पर भी है, बाकी सेम चीजें हैं, वही जो इंफॉर्मेशन उधर डाला था वैसे ही इंफॉर्मेशन इधर डालना पड़ा, थोड़ा नाम अलग है, थोड़ा डिटेल्स अलग है, देखने का ग्राफिक्स अलग है, एक बेसिक चीजें अलग अलग हो सकती है। उतना ही आपको ध्यान रखना है। ये वेबसाइट अभी नया है तो थोड़ा सा ये आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि कल तो ओपन ही नहीं हो रहा था, आज ओपन हुआ है तो थोड़ा तकलीफ आपको दे सकता है, पर काम धीरे धीरे जैसे जैसे वेबसाइट थोड़ा सा और स्मूथ होगा, ऐसे अच्छा इनका सर्वर अच्छा होना चालू हो जाएगा तो फिर ये अच्छे तरीके से काम करेगा। चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन, ये पेज खुलने दो फिर हम लोग इसका आगे देखेंगे। यहाँ पे DSC मैपिंग का स्टेटस ओके है, वेटिंग फॉर अप्रूवल है ना, हमें सर ये अप्रूवल करेगा, कौन अप्रूवल करेगा ये, अभी ये जो ई प्रोक्योरमेंट वाले हैं ये लोग इसको चेक करेंगे और अप्रूवल करेंगे, जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा वैसे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन में दिखना चालू हो जाएगा, कंफर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट, अभी वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग रखा है, मतलब वो वेरीफाई करेगा मेरा प्रोफाइल, यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी विदाउट अप्रूवल आगे जाने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ई प्रोक्योरमेंट से थोड़ा सा अलग किया है। तो वो देखो यहाँ पे लॉगिन, ये आपका एक ठीक वेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे दे दिया है ना, ये आप देखेंगे तो, और ये मेरा लॉगिन आईडी है, लॉगिन कोड बोल सकते हो या लॉगिन आईडी ये लॉग इन आई डी दे दिया है मुझे यहाँ पे, ठीक है ये मुझे दे दिया है, विथ ऑर्गेनाइजेशन भगत टेक्नो IT सॉल्यूशन हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली है ना, योर पोर्टल रजिस्ट्रेशन जो है 500 रुपीज चार्ज है और रेनुअल के लिए 100 रुपीज का चार्ज है, ऐसा वो मुझे बता रहा है। मतलब ये जैसे कि हमारा किसका था, MP का देखा था, MP के लिए कुछ चार्जेस थे है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, याद है हाँ हाँ सर, ना, जिसमें हम फाइव लोगों ने हंड्रेड फर्स्ट डे की नाइन्टी क्लास में रुपीज देखा था, हाँ तो फाइव यहाँ हंड्रेड पर भी नाइन्टी सेम, यहाँ सर पर भी उसको आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 500। तो ये 2 दिन का वर्किंग टाइम ले रहा है मुझे, और फिर मुझे वो अप्रूवल होने के बाद हमें ये पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग इसको आगे डिटेल्स में जा पाएंगे। तो एक बार लॉगिन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आईडी पासवर्ड तो हम लोगों ने सेट किया ही नहीं, देखो कोई मेल वगैरह उन लोगों ने भेजा ही नहीं, एक्चुअली मेल भेजना चाहिए उस पर डिटेल्स है ना, तो मेल भेजा नहीं, एक बार मेल भेज दिया तो मुझे वहां से पासवर्ड वगैरह डिटेल्स आ जाता था, और पासवर्ड सेट करने के बाद हम लोग यहाँ से लॉग इन हो सकते थे। अभी तक हमारा रजिस्टर्ड ही है, रजिस्टर हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो एक बार रिकवरी मेल से देखते हैं, हमारे अप्रूवल हुआ है तो यहाँ से रिकवरी के लिए ईमेल भी चला जाएगा, यूजर कोड, तो यूजर कोड है मेरा आदित्य पंडित 0508, ईमेल है आदित्य पंडित 0508@gmail, ये हमारा है, इसको करते हैं इंटर, अभी ये तक हमारा अप्रूवल नहीं हुआ है, अप्रूवल जैसे हो जाएगा मुझे उसके लिए एक ईमेल आ जाएगा और फिर हम लोग उसको वेरीफाई करके हम लोग जनरेट कर पाएंगे। चलो यदि अप्रूवल आ जाता है तो कल के लेक्चर में मैं इसका आगे का प्रोसीजर भी दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो मेन चीज था सेटिंग, तो हमारा जो हम लोगों ने पहले सेटिंग किया था वही सेटिंग हमारा यहाँ पे काम आ गया।
ये आप लोग को यहां से पता चल गया। क्लियर है? हाँ सर।